हाय, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। आज मैं बताऊंगी आपको विल और शैल का यूज कहाँ करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, विल। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम व्हाट अबाउट शैल। तो शैल हैज बिकम एन आउटडेटेड वर्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। आजकल शैल का यूज बहुत ही रेयर होता है। आप कहीं भी ग्रामर में देखोगे तो वह विल का ही मोस्टली यूज मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब अगर शैल का रेयर यूज होता है तब भी आप ये जानना चाहोगे कि ग्रामेटिकली फिर भी हम शैल को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विल और शैल का यूज। सबसे पहले मैंने यहाँ दो टाइप के फ्यूचर लिखे हैं, नॉर्मल फ्यूचर एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नॉर्मल फ्यूचर क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हमारा प्रिडिक्शन शो हो रहा हो, या कोई एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, या मेन चीज हम प्लानिंग कर रहे हो, या मैंने कोई डिसाइड कुछ भी ऐसे किया कि मैं ये काम कर लूंगी फ्यूचर में, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्या होता है, जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन शो होते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन, रिक्वेस्ट, ऑफर। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फ्यूचर की। एंशियंट इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते थे, जो फर्स्ट पर्सन होता था आई या वी, उसके साथ हम यूज करते थे शैल। और जो थर्ड पर्सन होते हैं और सेकंड पर्सन होते हैं, यानी कि यू, शी, ही, इट, दे, इसके साथ हम विल यूज करते हैं। ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है। मतलब जहां हम विल यूज करते हैं वहां आ जाता है शैल, और शैल की जगह रिप्लेस हो जाता है विल, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल। तो आइए पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फ्यूचर की, बहुत ही इजी जो है सेंटेंसेस, ठीक है। नॉर्मल फ्यूचर में जैसे प्रिडिक्शन, मैंने अभी आपको बताया, कुछ भी चीज प्लान करना या कुछ भी फ्यूचर के बारे में कहना कि कल मैं ये काम करूंगी, लेकिन वो मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होता। जस्ट मैं प्लान कर रही हूँ कि ठीक है मैं करूंगी, मैं कुछ फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ, मैं कुछ करने का सोच रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है। वी शैल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कल मैं लेटर लिखूंगी और मैं इवनिंग में मार्केट जाऊंगी, पर कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, मैंने बस प्लान कर लिया कि मैं ये काम करूंगी। अच्छा, अब विल का एग्जांपल देखते हैं, द डॉक्टर विल सी यू एट टू। ये भी एक तरह से क्या हो गई, प्लानिंग हो गई हमारी कि डॉक्टर विल सी यू एट टू, यानी कि 2 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है, 2 o'clock का, डॉक्टर उतने बजे बैठेगा और मुझे उतने बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना है। तो ये प्लान एक्टिविटीज हो गई जो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। अच्छा, एक्सपर्ट सेज गोल्ड प्राइस विल राइज दिस ईयर। ये हमारा प्रेडिक्शन हो गया कि कुछ एक्सपर्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि गोल्ड प्राइस इस समय इंक्रीज हो गया, यानी जस्ट हमने प्रेडिक्शन कर दिया। और क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन ही आ रहे हैं, तो उसके साथ हमने विल यूज किया है और यहाँ आई और वी के साथ हमने शैल यूज किया है। ये बात हो गई हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में जैसे किसी से प्रॉमिस करना, डिटर्मिनेशन और कमांड, ये तीनों चीज शो करती हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर को, यानी कि डिफरेंट टाइप के इमोशन हमारे सेंटेंस से शो हो जाते हैं। इसलिए इसमें हम रिवर्स हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का। जैसे किसी से अगर हमको प्रॉमिस करना है, आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, तो इसमें मैंने किसी से अगर बुक ली तो मैं उससे प्रॉमिस कर रही हूँ, आई प्रॉमिस डेट आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। इट मीन्स 100% श्योर, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि उसकी बुक मैं कल लौटा दूंगी, तुम्हारी बुक मैं कल लौटा दूंगी। ही शैल रिटर्न योर बुक टुमारो, सेकंड सेंटेंस में मैंने ही के साथ क्या लगाया, शैल, वह तुम्हारी बुक कल रिटर्न कर देगा, यानी कि प्रॉमिस। नेक्स्ट, आई विल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर। तो अगर मैंने यहाँ आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज किया है तो ये मेरा दिखाता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यानी कि डिटर्मिनेशन, जिसको हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन बोलते हैं। और इस सेंटेंस से अगर विल लगाने पर हमें पता चल रहा है कि मैं इसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हूँ और मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि इस साल मैं अच्छे मार्क्स ला कर ही दिखाऊंगी। अगर हमें थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ यूज करना है तो क्या लगाएंगे, शैल, शी शैल गेट गुड मार्क्स दिस ईयर, यानी कि जो शी है उसने डिसाइड करा है। अगर मैं इसको इंटरचेंज करती हूँ, जैसे कि नॉर्मल फ्यूचर बनाती हूँ, तो इसका मतलब श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारी कमांड,
वी विल नॉट टॉलरेट दिस अगेन. अगेन मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज किया, विल, यानी कि कमांड. कमांड में ही मेरे क्या शो होती है, वार्निंग, यानी कि मैं किसी को वार्न कर रही हूं कि हम ये चीज दोबारा टॉलरेट नहीं करेंगे. बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग मैं दे रही हूं, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस शो हो रही है मेरी सेंटेंस में. यू शैल बी देयर ऑन टाइम. थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ हमने यहां पर क्या यूज किया, शैल. अगर मैंने यहां शैल लगा दिया तो उसका मतलब मैं कमांड दे रही हूं, एक तरह से मैं ऑर्डर दे रही हूं कि तुम्हें वहां टाइम से होना ही चाहिए, यानी कि ना पहुंचने के 1% चांस भी नहीं है. अगर मैं यहाँ यू विल लगाती हूँ तो हो सकता है मैं वो 10% 20% चांस हो वो नहीं आए, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, उसे वहां टाइम से आना ही पड़ेगा. तो इस तरह से आपने देखा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का यूज हम कैसे करते हैं. नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बाद एक और कैटेगरी है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कह लीजिए बहुत ही पोलाइट तरीके से, उसमें पोलाइटनेस शो होती है क्वेश्चन पूछने की, जिसमें भी हमारे ऑफर, सजेशन या रिक्वेस्ट छिपे होते हैं. सबसे पहले ऑफर, किसी पार्टी में मैं गई हूँ, ठीक है, वहां पर डांस मुझे किसी के साथ करना है और उस पर्सन को मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जानती, तो बहुत ही पोलाइटली मैं उससे बात करूंगी और क्या बोलूंगी, शैल वी डांस. और एक और बात, ऑफर जब भी हम करते हैं तो हमेशा आई और वी ऑफर करेंगे. क्या हम डांस कर सकते हैं, क्या मैं आपके लिए ये काम कर दूं, कुछ भी किसी को मैं ऑफर करना, तो इसमें हमेशा शैल यूज होता है, हम इसे विल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते. और इसमें आई और वी में ही हम ऑफर करते हैं, आई यानी कि विल अगर हम इसमें लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ये सेंटेंसेस आप अच्छे से ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है सजेशन. सजेशन है, हम लोग बिजी हैं वर्क में, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ और मैं उनको ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ, अभी टाइम हो गया है, काफी काम करते करते बहुत थकान हो गई, शैल वी स्टार्ट लंच. आई थिंक शैल वी स्टार्ट लंच, आई थिंक अब हमें लंच स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, उसके बाद काम करते हैं. तो इस टाइप से मैं सजेस्ट कर रही हूँ, या फिर शैल वी ऑर्डर आइसक्रीम, ठीक है. और हमेशा शैल, यहाँ भी हम विल का यूज नहीं कर सकते, विल वी स्टार्ट लंच कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है. तो यहाँ पर इस तरह के जब भी हम ऑफर और सजेशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें हमेशा शैल ही यूज होता है. नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट. जब भी हम अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं विल का, तो यहाँ पर हम शैल का यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि विल यू गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे, तो मैं जिसके पास बुक है उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ. शैल यू गिव मी योर बुक कंप्लीटली रॉन्ग. इसी तरह से विल वी डांस रॉन्ग, विल वी स्टार्ट लंच रॉन्ग. तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा विल और शैल का यूज. और एक और बात मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप श्योर नहीं हो शैल का यूज करने के लिए, तो बेटर रहेगा कि आप हर जगह विल का यूज करो, क्योंकि आज के टाइम में विल हर जगह एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू ग्रामर. आप विल का यूज करोगे कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है. अगर आप श्योर नहीं हो शैल का यूज करने में या कंफ्यूज हो, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. इसी तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको कोई सी भी टॉपिक में डाउट है मुझसे आप पूछ सकते हैं, या मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में न्यू टॉपिक के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.